So, हम जा रहे हैं आज रमज़ान शॉपिंग करने के लिए और आप लोग भी देखें कि आप लोग शायद कोई चीज़ मिस कर रहे हो रमज़ान की, और अगर मैं कुछ भी मिस कर रही हूँ तो आप लोगों ने मुझे बताना है। आपने सज़र ऐसे पकड़ी, आपने इसको ऐसे किया और आपने सी दिस इज़ माई आर्ट। सो हम जा रहे हैं आज रमज़ान शॉपिंग करने के लिए और द बेस्ट पार्ट अबाउट रमज़ान शॉपिंग दिस ईयर इज़ कि मेरी पहली रमज़ान शॉपिंग है आफ्टर माई शादी इन माई ओन न्यू हाउस। सो मैं ख़ुद अपने घर के लिए शॉपिंग कर रही हूँ रमज़ान की एंड बहुत एक्साइटिंग है। इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस और I don't know. I mean, मैं अपने शेफ़ को लेके जा रही हूँ अपने साथ, बिकॉज़ आई रियली वॉन्ट कि आप मेरे साथ चलें ताकि वो मुझे यू नो लाइक बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो शायद मुझे नहीं पता हूँ उनको बताऊँ और वो मुझे बता सकें। सो या सो वो मेरे साथ जा रहे हैं और मैंने उनको बोला है कि भाई हम जाके देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो लानी है। उन्होंने लिस्ट एक बना ली है और अभी बस हम उस लिस्ट को लेते हैं और निकलते हैं और जाके लेते हैं सामान। दूसरी चीज़ जो मुझे करनी है आज, मुझे राशन बैग्स जो मैं बनवाती हूँ रमज़ान के लिए वो मुझे बनवाने हैं जो मैं लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। सो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमने करनी है। वो मैंने पहले से इम्तियाज़ स्टोर पे देख लिए थे कि वो कैसे बनाते हैं। उप्स, मैंने प्रमोशन कह दी, स्टोर का नाम ले लिया, इट्स ओके। बनाते हैं, अच्छे स्टोर्स हैं, वाई नॉट, लाइक बाकी लोगों को भी आसानी हो जाए, बट एनी वेज। तो मैंने स्टोर पे देख लिया था और मुझे पता था वो एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें उस राशन बैग में डालते हैं लोगों को देने के लिए, लेकिन मैंने उसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन करवानी है जैसे कि रू अफ़ज़ा, बेसन एंड देन खजूर। तो ये तीन चीज़ें ऐड ऑन करानी है, बाकी सब चीज़ें परफेक्ट हैं उस बैग के अंदर। तो अब जाते हैं उनसे बोलते हैं कि हमें वो बैग्स जो रेडी करने हैं उसमें तीन चीज़ें ऐड ऑन करके वो बैग्स हमें कर दें रेडी, और दूसरा हम अपने घर के लिए भी सामान ले लेते हैं जो हमें लेना है सारा रमज़ान के लिए। सो चलें फिर आज मेरे साथ शॉपिंग करें रमज़ान की। पहली बार आई एम गोइंग फॉर शॉपिंग अपने न्यू हाउस में, पहली बार मेरे पहले रमज़ान की शॉपिंग। सो चलते हैं शॉपिंग करते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। बाय द वे मैं इम्तियाज़ स्टोर ही जा रही हूँ, इट्स सो नियर टू माई हाउस और मुझे आसानी हो जाएगी वहाँ से चीज़ें लेने में। तो आई सी यू गाइस, और आप लोग भी देखें कि आप लोग शायद कोई चीज़ मिस कर रहे हो रमज़ान की, और अगर मैं कुछ भी मिस कर रही हूँ तो आप लोगों ने मुझे बताना है। ओके बाय। सो रमज़ान की सबसे पहली चीज़ हमने ले ली है इस रू अफ़ज़ा। हमारी रमज़ान की लिस्ट जो हम सामान लेने आए हैं, मेरे जो शेफ है हमारी वीडियो बना रहे हैं इब्राहिम भाई, हमने मेन चीज़ ले ली है रमज़ान की रू अफ़ज़ा, और ज़्यादा इसलिए है क्योंकि बस साफ बहुत लंबी लिस्ट है। एक और रमज़ान की फेवरेट चीज़ चैनी, वो भी मैं ले रही हूँ दो पैकेट, और हमने खजूर भी लेने हैं। और क्या लेना है हमें इस डिपार्टमेंट में जाना है, हमारा वेजी वेजी वाला काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। हम ले रहे हैं प्याज और आलू, प्याज और आलू ले लेते हैं, और बहुत रश है यहाँ पे। मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी फ्रेश नहीं खरीदी है, बट फाइनली फर्स्ट टाइम मैं फ्रेश ले रही हूँ। बहुत बहुत गंदी स्मेल आ रही है गाइस, आई हैव नो आईडिया। ब्रदर, व्हाट्स दैट? सो मैंने ये पीस लिया है बिकॉज मैं कभी भी मीट बना हुआ नहीं लेती हूँ, मैं हमेशा पीस लेती हूँ बीफ का एंड देन कीमा बनवाती हूँ, तो देन वो कीमा बन गया है। जो घर के करीब हमारे के स्टोर है उससे जितना सामान मैं ले सकती थी मैंने ले लिया, और अब मैं और ज़्यादा सामान लेना है मुझे अपनी अम्मा के घर के लिए और अपने इन लॉज के घर के लिए जो है मुझे बास्केट्स बनवानी है। तो उसके लिए हम जा रहे हैं खड्डा मार्केट, फ्रूट शॉप पे खड्डा मार्केट जाना है महबूब भाई, और बस उसके बाद फिर वापस घर आएंगे। ओके, सो सामान हम सारा लेकर आ गए हैं जो जो हमें लेना था। मुझे खड़ा मार्केट जाना था फ्रूट्स लेने के लिए, फ्रूट बास्केट जो मैंने बनवा ली है, मेबी यू कैन सी इट्स हियर। और ऑफकोर्स मैंने दो बास्केट्स बनवाई हैं, वन फॉर माई अम्माज़ हाउस, वन फॉर माई इन लॉज हाउस। और अब क्या सीन है कि बॉम्बे पे बहुत रश था, आप लोगों को पता है कि जो कराची में जो खड़ा मार्केट पे बॉम्बे स्टोर है वहाँ पे सारे लोग अपने ज़्यादातर गिफ्ट्स और चीज़ें पैक करवाने के लिए जाते हैं फॉर रमज़ान, ईद,
वेडिंग सब चीज़ों के लिए। सो वहाँ पे इतना रश था एंड देन आई एम लाइक नहीं मैं यहाँ नहीं दे सकती हूँ चीज़ें, बिकॉज वो कह रहे थे कि अगर आप आज ऑर्डर देंगे तो आपको कल मिलेंगे। सो ना सो आई रियली रियली वॉन्ट कि दो बॉक्सेस मैं आज कंप्लीट कर लूँ। सो मैंने सोचा कि बहुत आसान है बॉक्सेस को बनाना, बिकॉज मैंने क्या किया, जो बॉक्सेस थे रमज़ान के वो मैंने ख़रीद लिए एम्प्टी बॉक्सेस वहाँ से, आप देखें। सो एम्प्टी बॉक्सेस मैंने ले लिए रमज़ान मुबारक के, रमज़ान करीम के, और अब मैंने इसके लिए इसके अंदर फिल करने के लिए जो खजूरें हैं डेट्स हैं वो भी ले लिए अलग से। इसका ये रैपर उतर जाएगा एंड इसके अंदर हम आपके सामने अभी मैं पैक करूँगी ये दोनों बॉक्सेस फॉर माई अम्मा एंड फॉर माई इन लॉस। और इसके अंदर हम लगाएंगे एक बटर पेपर, बिकॉज उसने मुझे बता दिया कि आपको क्या करना है। सो देन आई जस्ट नीड दैट पेपर जो मुझे अंदर रखना है, उसके ऊपर मैंने जो खजूर, उसने बोला खजूर आप अपनी मर्जी से रिफिल कर सकती हैं, तो मैंने खजूरों के पैकेट ले लिए। सो मैंने लिए हैं ये दो पैकेट, एक के अंदर काजू फिल है और एक के अंदर बादाम। आई रियली लाइक ये वाली, मुझे बहुत अच्छी लग रही है तो मैं ये ले लेती हूँ। सो अब हम लोग इन दोनों को बनाते हैं कि किस तरीके से ये बॉक्सेस को हमने फिल करना है फॉर रमज़ान, एंड देन फिर मैं आपको उसके बाद दिखाऊंगी बाकी सारी चीज़ें जो हमने ली हैं। पेपर आ गया है, मैं यहाँ से सारी चीज़ें हटा देती हूँ ताकि आप लोग आराम से देख सकें। सो हमने ये बॉक्स को खोला और ग्लव्स ग्लव्स लेंगे, इसमें से हमने दो ग्लव्स निकाले और पहन लिए क्योंकि चाहे आपके हाथ कितने ही वॉश हों कुछ भी हो, इट्स इम्पॉर्टेंट कि जब आप गिफ्ट्स पैक करें तो आपके हाथों में ये डिस्पोजेबल ग्लव्स होना ज़रूरी है। रमज़ान बहुत करीब है इसलिए हम लोग ये सारी चीज़ें थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, और अपने आपको दिखा रही हूँ कि मैं इसको पैक कैसे कर रही हूँ। चलिए मैंने बटर पेपर ले लिया है, बटर पेपर नॉट बटर पेपर, बटर पेपर, ओके। तो ये बटर पेपर हमने ले लिया है एंड देन हमने इसको थोड़ा सा फोल्ड किया है और हमने इसको इसको अंदर फिक्स किया है लाइक दिस, यू कैन सी इट लुक्स नाइस, थोड़ा तमीज़दार। उसके बाद हमने डेट्स निकाली हैं, मुझे स्टोर पे उन्होंने कहा था कि एक उसमें 24 आएंगी। आई थिंक ही वॉज राइट, मे बी 24 नहीं शायद ज़्यादा आएंगी, और आई थी ओके। अब हम इसमें थोड़ी काजू वाली जो डेट्स हैं वो भी ऐड कर देते हैं। I think it's not अभी तक फुल नहीं हुआ है, अभी भी हमने उसमें और आई थिंक उनका जो मैथ्स का गलत हो गया है बॉम्बे स्टोर वाले अंकल का, बिकॉज उन्होंने कहा था कि इसमें 24 आते हैं बट उसमें 24 नहीं आ रही, 24 से ज़्यादा आ रही है। मैंने उनको 30 बोला था, ही सेड 32 आने, सी मेरा मैथ ज़्यादा अच्छा था उनसे। एनीवेज इट लुक्स रियली नाइस, यू कैन सी। सो ये हो गया हमारा रमज़ान बॉक्स रेडी टू गो। सो मैंने सोचा कि सिर्फ रमज़ान के लिए मैं आपको सिर्फ डेट्स नहीं देने चाहिए, तो मतलब खजूर नहीं देने चाहिए, आपको ड्राई फ्रूट भी देने चाहिए अपनी फैमिली को। सो वहाँ पर ऑब्वियसली रश बहुत ज़्यादा है, लाइक ठीक है मुझे दो जो घरों की चीज़ें वो फ़ौरन भिजवानी है, रमज़ान स्टार्ट हो जाएगा। सो देन मैंने क्या किया कि वहाँ पर ड्राई फ्रूट के बॉक्सेस मिल गए थे जो मैंने ले लिए हैं, और मैंने अलग से एक शॉप से ये पैकेट ले लिया है, ये ट्रांसपेरेंट शीट ले ली है, और मैंने डिसाइड कर लिया कि इसको कैसे डिज़ाइन करना है। हमने बॉक्सेस रखे, हम इसका ये बता देंगे जो प्राइस लगी हुई है, बिकॉज इट डज नॉट लुक नाइस कि आप किसी को कुछ गिफ्ट करें और उसका प्राइस लगती हो, बट एनीवेज हमने इसको ऐसे किया। इसके बाद स्टिच में जैसे मैं लेकर आई हूँ तो सामान उसमें है टेप और सो हम टेप की शुरुआत करते हैं पहले, तो टेप यहाँ से ओपन हो गया है, नाइस हमें मिल गया है। तो हम इसको करेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6
हम इसको ऐसे घुमाएंगे नहीं क्योंकि ये घूम नहीं रहा, तो हम इसी को टेप करेंगे। I love doing this kind of a thing. I remember when I was in Germany, मैं ये सारी चीज़ें वहाँ पर करती थी, क्योंकि वहाँ करना ज़्यादा आसान इसलिए था कि वहाँ पर चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम ये कि आपको चीज़ें नहीं मिलती हैं, दैट्स द वर्स्ट थिंग है इन पाकिस्तान, आपको बहुत ढूंढनी पड़ती हैं चीज़ें। वहाँ पर तो आई रिमेंबर कि एक ही स्टोर पर हर चीज़ मिल रही होती थी, यू वर टू लकी कि जाकर बस एक ही दुकान से आपने ठक 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 चीज़ें उठा ली। यहाँ पर प्रॉब्लम ये होता है कि आपको 10 दुकानों पर जाना पड़ता है, तब जाके आपको आपको मतलब कुछ चीज़ मिलती है, वो भी सेंटेंस मिलती है सेंटेंस नहीं मिलती है, तो ये भी होती है। मुझे बहुत शौक है गिफ्ट पैक करने का और इस टाइम की पैकिंग और चीज़ें और होस्टिंग करने का, सो आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि रमज़ान आ रहे हैं और रमज़ान में जो है बड़ा मज़ा आता है। सो हम पहले एक नॉट ऐसे करेंगे, बो को नॉट करेंगे ताकि बो दोबारा से वापस वैसी ना हो जैसे वो थी। Now it becomes like a really nice bow. Oops. Okay. उसके बाद हम bow को बांध देते हैं, आई थिंक बांधना इज मच बेटर, बांध देते हैं ताकि वो ख़राब भी नहीं होगी। तो हमने पीछे से bow को नॉट कर दिया है, आई थिंक वो ज़्यादा सेफ है कि अगर हम bow को नॉट कर देते हैं। सॉरी, हमारे पास एक और बात है, नो प्रॉब्लम, इसलिए मैंने उससे पैकेट देते हुए पूछा था कि प्लीज़ आप मुझे बताएं आपके पास ज़्यादा बोज हैं। इज लाइक यार हमारे पास यार इसमें एक मिस 5 to 6 होती हैं, तो मैंने कहा फिर ठीक है, अदरवाइज थोड़ा वर्स हो जाएगा जो भी हो गया है जैसे केक, बट ये भी मैं कहीं लगा सकती हूँ, इससे बुरा नहीं लगेगा, आपस की बात है। अरे भाई आप ये तो है ही एक वाली आई थिंक, चलो जी इसका तो दूसरा पार्ट ही नहीं है, हो गई मेरे साथ बात, लग दो खराब हो गए हैं, एक भी नहीं दो। अब इसका हम बहुत ख्याल से इसके साथ बांधेंगे, तमीज से जो मैं पहले करी थी वो मैं नहीं करूँगी, अब बहुत तमीज से मैंने इसको बांध के इसको आगे किया है। और अब द मेन थिंग जो मेरा आर्ट है मैं आपको वो दिखाने वाली हूँ, आपने सजर ऐसे पकड़ी, आपने इसको ऐसे किया और आपने सी दिस इज माय आर्ट, ये मैंने इसे कहते हैं आर्ट। तो ये मेरा जो आर्ट है वो रेडी हो गया है, मेरा जो गिफ्ट है देने के लिए। सो परफेक्ट रमज़ान गिफ्ट आइडिया मैंने आप लोगों को दे दिया है, कोई ज़रूरत नहीं आपको महंगे महंगे गिफ्ट लेने की, चीज़ें लेने की। आपने ड्राई फ्रूट्स लिया, ड्राई फ्रूट को आपने पेपर ख़ुद ख़रीदा उसको पैक कर दिया, ये भी कोई 50-60 रुपीस में मुझे इतने सारे बोर्ड मिल गए हैं, ये पेपर शीट भी आई डोंट रिमेंबर बट बहुत ज़्यादा बहुत सस्ती है। रमज़ान बॉक्स मैंने ले लिया, ये मुझे पड़ा ये भी मुझे सस्ता ही पड़ा, लाइक मे बी 1800 इतने का कुछ, और उसके अंदर मैंने जो खजूर फिल किए हैं वो आप पर डिपेंड करता है आप कितना ले रहे हैं, कितने केजी ले रहे हैं, कितना ग्राम ले रहे हैं, ठीक है वो हो गया। तो हमारा फर्स्ट रमज़ान गिव अवे रेडी हो गया, इसके साथ दिस हैवी बास्केट, सो अब हम इसको रखते हैं इधर and it's ready. So now you can see this fruit basket, and then we have this dry fruit, and then we have this khajur. So hamara Ramzan box ho chuka hai ready.